हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन की हम लोग कर रहे हैं शुरुआत। तो सबसे पहला काम आप लोगों का होना चाहिए, कर दीजिए वीडियो को लाइक और एनर्जेटिक फॉर्म में आ जाइए तुरंत के तुरंत। अपने पेन कॉपी निकाल लीजिए और एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हुए चलेंगे हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से, एक एक हर एक क्वेश्चन को करेंगे विद रीजन, कैसे है, क्या है, हर एक चीज को समझेंगे क्वेश्चन की। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन और देखते हैं हमें पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो जरा देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारे पहले क्वेश्चन में बच्चों हमें दे रखा है कि भाई अगर आप लोगों के पास एक फंक्शन दे दिया जाए कि एफ एक्स जो है वो आप लोगों को दे रखा है एक्स का क्यूब, तो ये क्या होगा, ये वन वन होगा या फिर ये नॉट ऑन टू होगा या फिर नॉट होगा, वन वन है या नहीं है, मतलब इतना पूछ रहे हैं बस आपसे। वो कैसे आप लोग बता सकते हैं, आप लोगों को खुद से सोचना होगा कैसे बता सकते हो भाई। अगर आप लोग देखो वन वन को प्रूफ करने का जो जो पूरा का पूरा सलीखा था हमारा, जो तरीका था हमारा वो क्या था, अगर हम लोग याद करें कि वन वन को प्रूफ करने का जो हमारा तरीका था वो ये था कि हम लोग फंक्शन में एक बार वेरिएबल की जगह पर एक्स वन रखते थे और एक बार क्या रखते थे एक्स टू रखते थे और इन दोनों को क्या कर देते थे, बराबर कर देते थे। सिंपल था। अच्छा, तो यहाँ पर ज़रा रख करके देखते हैं। अगर हम इन्हें रख करके देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा यहाँ पर एक्स वन का क्यूब इज इक्वल्स टू में एक्स टू का क्यूब। अब यहाँ पर कोई भी बच्चा इस तरीके से मत कर देना कि क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, नहीं ऐसे नहीं होता। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स वन का क्यूब माइनस में एक्स टू का क्यूब इज इक्वल्स टू में जीरो। तो अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ए का क्यूब माइनस में बी के क्यूब के फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा और ए माइनस बी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा यहाँ पर ए बी। क्लियर है बात यहाँ पर। तो आप लोगों के पास जो चीज़ें बन जाएंगी यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए वो कितना हो जाएगा, वो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता दूँ कि अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं यानी कि एक्स वन माइनस में एक्स टू करके लिखते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा एक्स वन का स्क्वायर प्लस में एक्स टू का स्क्वायर प्लस में एक्स वन इंटू में कितना आ जाएगा एक्स टू आ जाएगा इज इक्वल्स टू में जीरो आ गया। अब एक बात जरा यहाँ पर ध्यान से समझना, अब मैं यहाँ पर ना आप लोगों को एक कैच पॉइंट बताता हूँ इसका, वो मेरी बात को जरा ध्यान से यहाँ पर सुनो आप कि यहाँ पर देखो ये भी कोई नंबर है जिसका स्क्वायर हो रखा है, ये भी कोई नंबर है जिसका स्क्वायर हो रखा है और ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दोनों दोनों या तो अगर पॉजिटिव हुए दोनों या तो नेगेटिव होंगे, दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो अब अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हुए दोनों के दोनों नेगेटिव हुए तो अल्टीमेटली होने क्या वाला है, यहाँ से तो कंप्लीटली पॉजिटिव आंसर आएगा। देखो क्योंकि यहाँ से तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है और यहाँ से भी हमेशा पॉजिटिव आने वाला है और यहाँ से भी क्या आने वाला है, हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। तो जीरो किससे हो सकता है, जीरो किससे हो सकता है, जीरो सिर्फ इसी से हो सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा एक्स वन माइनस में एक्स टू इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा जीरो, यानी कि एक्स वन इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा एक्स टू इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा जीरो। क्लियर है बात यहाँ तक। तो इसका मतलब और हमारे पास यहाँ पर यानी कि जो हम लोगों ने एक्स वन और एक्स टू अलग अलग मान करके चले थे वो तो एक्चुअल में दोनों के दोनों सेम ही नंबर थे। तो इससे हमें यह पता चल गया कि हमारे पास ये जो फंक्शन दे रखा है ये क्या है, हमारे पास ये वन वन फंक्शन है। क्या इस बात की क्लैरिटी हो गई आप लोगों को अच्छे से, एक एक चीज मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक एक चीज के ऊपर आप लोगों को हाँ ना जो कुछ भी होता है आप कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत बताएं और हम लोग आप लोगों की सारी दिक्कतों को बिल्कुल अच्छे से सुनेंगे और हर एक बात का जवाब भी देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और बात कर लेता हूँ अब आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बताने हैं आप लोगों को। बहुत सिंपल है बच्चों। अब आप मान लीजिए आपके पास कोई भी एक नॉर्मली सेट दे रखा है जिसमें तीन एलिमेंट्स है, मान लीजिए वन टू थ्री है, आपको नॉर्मली सेट दे रखे हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं आप लोगों के पास बच्चों, वह है तीन। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अब आप लोगों को बहुत सिंपल सा काम करना है, क्या करना है आप लोगों को, आप लोगों को बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, टू की पावर एन का स्क्वायर माइनस एन, एन कितना है एन, आप लोगों को यहाँ पर ये चीज तीन दे रखी है तो आप लोग कितना बोल सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं तीन का स्क्वायर कर दीजिए माइनस में तीन कर दीजिए, तीन का स्क्वायर बच्चों कितना होता है नाइन माइनस थ्री हो जाएगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा टू की पावर सिक्स हो जाएगा। क्या ये बात आप लोगों को बताइए समझ में आ रही है बात, बहुत सिंपल था, क्यों था मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप ए क्रॉस ए कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप ए क्रॉस ए कर देते हैं तो ए क्रॉस ए करने पर आप लोगों के पास कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं, नाइन एलिमेंट्स आ जाते हैं। ओके सही है ना, आपके पास नाइन एलिमेंट्स आते हैं। अब इन नाइन एलिमेंट्स में आप लोग क्या करते हैं, इन नाइन एलिमेंट्स का भी मैं आप लोगों को गेम बता देता हूँ यहाँ पर, आप लोगों को करना क्या था जरा ध्यान से देखिएगा। आप लोगों के पास क्या चीज कंपलसरी होती है, अगर आप रिफ्लेक्सिव की बात करें वन वन टू टू थ्री थ्री, आप इन
नौ में से कोई से तीन तो आपके निकल ही जाते, 1 1 2 2 3 3 वाले बचते कितने, छह। हर एलिमेंट के लिए, चाहे वो 1 2 हो, चाहे वो 2 1 हो, चाहे वो 1 3 हो, चाहे वो 3 1 हो, कुछ भी हो, उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी, भाई क्या चांसेस रहते, या तो वो होता या तो वो नहीं होता, या तो वो होता या तो वो नहीं होता, सबके लिए दो दो होते, इसलिए 2 × 2 × 2 छह एलिमेंट थे, इसलिए इन सबकी मल्टीप्लाई कितनी बार हो गई, 6 बार हो गई, इस वजह से यहाँ से आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 6। देखो फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला याद कर लो, मना नहीं है। अगर आप लोगों को लॉजिक समझना, लॉजिक समझ लो, उसके लिए मना नहीं है, ठीक है। जो आपके सचिन सर हैं वो आप लोगों के लिए दिन भर बैठे हुए हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है, ऑलवेज आई एम हियर, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर है बात, ओके।